नमस्कार, मैं आकांक्षा तिवारी आप सबका स्वागत करती हूँ वायरल वर्सेस फैक्ट में। जहाँ 2020 में इतने सारे सेलिब्रिटीज की मौत की खबरें आई हैं, तो वहीं आज सुबह यानी कि सोमवार को एक और सेलिब्रिटी की मौत की खबर आ गई है। कौन है वो सेलिब्रिटी, क्या है उनके मौत के पीछे की पूरी कहानी, चलिए आपको बताते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। टीवी इंडस्ट्री को सोमवार को बहुत बड़ा झटका लगा है। खबर आ रही है कि पिछले कुछ दिनों से वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रही एक्ट्रेस दिव्या भटनागर का निधन हो गया है। टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में गुलाबों का किरदार निभाने वाली दिव्या को कोरोना हो गया था, जिसके बाद उन्हें गोरेगांव के SRV अस्पताल में एडमिट कराया गया। खबरें हैं कि उन्हें निमोनिया भी हो गया था। दिव्या की हालत गंभीर बताई जा रही थी, उनका ऑक्सीजन लेवल काफी कम हो गया था, जिस वजह से उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। वेंटिलेटर पर कई दिनों जिंदगी और मौत की जंग लड़ते हुए आज सुबह दिव्या का निधन हो गया। आपको बता दें कि वो 34 साल की थी। खबरों की अगर माने तो बातचीत में दिव्या की मां ने एक्ट्रेस के पति गगन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मां ने बताया कि दिव्या के पति गगन फ्रॉड थे, वो एक्ट्रेस को छोड़कर चले गए और उन्होंने एक्ट्रेस की हेल्थ के बारे में भी किसी से पूछने की कोशिश नहीं की। इसके साथ ही मां ने यह भी बताया कि दिव्या ने हमारी जानकारी के बिना शादी कर ली, हम इस शादी के विरोध में थे। दिव्या पहले ही मीरा रोड पर एक बड़े घर में रहती थी, लेकिन शादी के बाद वो ओशिवारा में एक छोटे से घर में शिफ्ट हो गई थी। उसका पति भी फ्रॉड निकला और उसे छोड़कर भाग गया। खैर, अब आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलें, और जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।